गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर था वो ख़त्म हो गया पिछला वाला, तो आज जो हमारा नया चैप्टर वो है द सी बक थॉर्न नेचर्स मिरेकल फ्रूट। इसका थीम है नेचर, ठीक है। जैसा हमारा पहला वो था पोएम था, उसका भी थीम नेचर था, तो इसका भी थीम नेचर ही है। तो किक स्टार्ट पढ़ते हैं, एक फ्रूट के बारे में शायद से ये। अ स्मॉल बेरी विद अ स्वीट टेस्ट, द सी बकथॉर्न इज वेरी रिच इन विटामिन सी, नोन एज द होली फ्रूट ऑफ द हिमालयाज। इट मोस्टली ग्रोज इन चाइना, रशिया एंड मंगोलिया। देखिए, तो एक छोटा सा बेरी, बेरी मतलब जैसे जामुन होता है ना, जामुन होता है, शहतूत होता है, वैसे ये भी बेरी ही है। बेरी उनको बोलते हैं, ठीक है, जामुन को बोलते हैं ब्लैक बेरी और शहतूत को बोलते हैं मलबेरी, ठीक है। तो ये भी बेरी है, एक बेर 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 टाइप ही है एक, ठीक है, जिसका टेस्ट होता खट्टा सा। द सी बकथॉर्न इज़ वेरी रिच इन विटामिन सी। देखो, खट्टा होगा तो विटामिन सी में रिच होगा, ये बात ठीक है। तो जो भी खट्टी चीज़ है वो विटामिन सी में रिच होगी, जैसे नींबू है, संतरा है, ये सब विटामिन सी में रिच होगी, विटामिन सी इनमें भरपूर होगा, ठीक है। नोन एज द होली फ्रूट ऑफ द हिमालयस, ये जाना जाता है पवित्र हिमालय का पवित्र फल के नाम से, हिमालय का पवित्र फल है ये। ये ज़्यादातर चाइना में उगता है, रशिया में उगता है और मंगोलिया में उगता है, ठीक है। ये देश के नाम है चाइना, रशिया और मंगोलिया, ठीक है। इट्स न्यूट्रिटिव क्वालिटीज हैव बीन अप्रिशिएटेड बाय नेटिव टिबेटियंस फॉर हंड्रेड ऑफ ईयर्स। तो जो इसकी क्वालिटीज़ है ना, जो इसका पोषण की जो गुण है, इसके पोषण के जो गुण है, वो उनकी तारीफ तिब्बती बहुत सौ सालों से उनकी तारीफ करते हुए आ रहे हैं, अप्रिशिएट करते हुए आ रहे हैं इसको, ठीक है। टू नो मोर अबाउट दिस वंडरफुल फ्रूट, रीड दिस आर्टिकल फ्रॉम हिंदुस्तान टाइम्स, ठीक है। तो ये हिंदुस्तान टाइम्स का एक आर्टिकल है जो कि हम पढ़ेंगे इस फल के बारे में और ज़्यादा जानने के लिए। द सी बकथॉर्न फ्रूट बिसाइड्स बींग द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी contains nutrients and phytochemicals that may help cure inflammatory disorders, cancer and other diseases, ठीक है। जो सी बकथॉर्न फ्रूट है ये भले इसके साथ विटामिन सी में तो अच्छा है ही, इसके साथ साथ ये न्यूट्रिएंट्स भी रखता है। न्यूट्रिएंट्स मतलब जैसे तुम लोग ले लो, न्यूट्रिएंट्स होते खाने की अच्छी चीज़ है यार, जिनसे तुम लोगों को एनर्जी मिलती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन वगैरह, ये सब होता है न्यूट्रिएंट्स में। बाकी तुम लोग एक तरह से ले लो, अच्छा खाना, अच्छी चीज़ें रखता है वो अंदर, तो जो बॉडी के लिए बेनिफिशियल है, बॉडी को फ़ायदा पहुँचाएगी, ठीक है। एंड फाइटोकेमिकल्स का मीनिंग देख रहे थे पीछे हम लोग, फाइटोकेमिकल्स क्या होता है, फाइटोकेमिकल्स केमिकल कंपाउंड्स दैट ऑक्यूर नेचुरली इन प्लांट्स, ये केमिकल्स होते हैं जो प्लांट्स में ही मिलते हैं। तो ये भी रखता है, ये इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस डिसऑर्डर्स, ये कोई बीमारी होती होगी, मेरे को आइडिया नहीं है इसका, कैंसर जैसी बड़ी बीमारी को भी क्योर करने की क्षमता रखता है ये फ्रूट, तो सही में मिरेकल फ्रूट ही होगा। मिरेकल मतलब चमत्कारी फल, ठीक है, प्रकृति का चमत्कारी फल है ना भाई। द होर्डिंग बोल्डली एडवर्टाइजेस नेचर्स मिरेकुलस फ्रूट, होर्डिंग मतलब जैसे बड़े बड़े पोस्टर होते हैं ना, जिनको जो बड़े बड़े पोस्टर है मॉल वगैरह के ऊपर लगा देते हैं, कहीं किसी बड़ी बिल्डिंग के ऊपर लगा देते हैं, तो उन बड़े बड़े पोस्टरों को होर्डिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये होर्डिंग एकदम ये एडवर्टाइज करता है कि ये नेचर का, प्रकृति का चमत्कारी फल है, ठीक है। I barely managed to read the words as the taxi that I am traveling in Pune whizzes past. मैं मुश्किल से ही पढ़ पाया था, क्योंकि जिस टैक्सी में बैठा था जहाँ पे मैं पुणे में ट्रैवल कर रहा था, पुणे जिस टैक्सी में बैठ के मैं पुणे में ट्रैवल कर रहा था, वो एकदम तेज़ी से निकल गई बिल्कुल पास उससे। But the large illustration of a tetra pack with the words lay berry does not escape me. तो टेट्रापैक वो होता है, जैसे टेट्रापैक आता है, जैसे तुम्हारी फ्रूटी आती है ना, तो फ्रूटी जिस डब्बे में आती है उसको बोलते हैं टेट्रापैक,
फ्रूटी आती है, लस्सी आती है, बहुत सारी चीज़ें आती है जो पैक होकर आती है कार्डबोर्ड के डब्बे में, उसको बोलते हैं टेट्रापैक। ठीक है, तो बट द लार्ज इलस्ट्रेशन ऑफ टेट्रापैक, जो टेट्रापैक का इलस्ट्रेशन था, इलस्ट्रेशन मतलब कुछ बना होगा वहाँ पे कार्टून वगैरह, वो कह रहा था ले बेरी डज नॉट एस्केप मी, कि ले की जो ले शायद जगह है वो बेरी मुझसे अलग नहीं है, मतलब उसके अंदर ले बेरी है। द होरिंग ट्रांसपोर्ट मी टू चुशोड एंड शे, टू स्मॉल विलेजेस इन द हाई माउंटेन्स ऑफ लद्दाख। ठीक है, लद्दाख का ये नाम ले है। ठीक है, तो ये जो होर्डिंग है वो इतना प्रभावित किया हमारे राइटर को कि वो डायरेक्टली कहाँ चले गए उसको देखने के बाद, मतलब चले ही नहीं गए, वो अभी भी है पुणे में ही, लेकिन वो दिमाग से वहाँ चले गए एकदम से। उनके सामने वो दो दो जो गांव थे वो आ गए, उनको देखते हुए गांव की याद आ गए उनको, एक तो चुशोट और एक शे। ये छोटे छोटे से गाँव है बड़े बड़े पहाड़ों के बीच, लद्दाख के, लद्दाख के बड़े बड़े पहाड़ों के बीच ये दो छोटे से गांव हैं। इट इज़ 2001, ये 2001 साल 2001 है। अ ग्रुप ऑफ विमेन आर बिजी मेकिंग जूस फ्रॉम इट्स फ्रॉम दिस मिरेक्यूलस फ्रूट द सी बकथॉर्न। एक महिलाओं का ग्रुप, एक औरतों का ग्रुप वो ये बिजी है इस मिरेक्यूलस फ्रूट का जूस बनाने में। ठीक है, किस मिरेक्यूलस फ्रूट का जूस बनाने में, द सी बकथॉर्न, इसका जूस बनाने में वो बिजी है। आई स्पेंड अ होल मॉर्निंग ऑब्जर्विंग द टास्क इन्वॉल्व्ड इन द प्रोडक्शन। देखो, मैंने पूरी सुबह इसको ऑब्जर्व करने में लगा दिया कि ये जो प्रोडक्शन कैसे होती है इसकी, ये उगाया कैसे जाता है, कितने टास्क है इसमें, क्या क्या करना पड़ता है उगाने के लिए, देखने में मैंने पूरी सुबह लगा दी। प्रोडक्शन नहीं होता, प्रोडक्शन नहीं होता, सॉरी, इसका प्रोनाउंसिएशन सही था। द फर्स्ट इज टू हार्वेस्ट द फ्रूट, पहला तो इसको हार्वेस्ट करना होगा, हार्वेस्ट मतलब शायद कटाई होता है ना, तो पहला जो टास्क था वो था हम लोग को इसको हार्वेस्ट करना है, काटना है। वी सेट ऑफ आर्म्ड विद प्लास्टिक ट्यूब, प्लास्टिक टब्स एंड लॉन्ग स्टिक्स। हम निकल गए, हमारे हमने हमने लिया एक बड़े प्लास्टिक टब लिए और लंबी लंबी डंडियाँ ली, तोड़ के कहाँ डालेंगे, डंडी तोड़ेंगे और टब में डाल देंगे, है ना। आई एम क्यूरियस अबाउट द फ्रूट एज आई हैव नेवर सीन इट बिफोर। मैं इच्छुक था उस फ्रूट को देखने के लिए, मैं जिज्ञासु था, मैं मेरी अंदर इच्छा थी उसको देखने की, तीव्र इच्छा थी उस फ्रूट को देखने की, क्योंकि मैंने उसको पहले कभी नहीं देखा था। वी सून अराइव एट अ रो ऑफ श्रब्स लादेन विद स्मॉल येलोइश ऑरेंज राउंड बेरीज। हम लोग पहुंच गए एक रो ऑफ श्रब्स, रो मतलब एक वो थी, बहुत सारे श्रब्स मतलब बहुत सारी झाड़ियां लगी हुई थी, और जहाँ उस पर छोटे छोटे येलोइश ऑरेंज जैसे दिख रहा है ना तुम्हारे फोटो में, ये कलर था, येलो भी थे ऑरेंज भी थे, तो ऐसे राउंड राउंड बेरीज थे, गोल गोल बेरीज थे। आई टेस्ट वन एंड मेक अ फेस, मैंने एक टेस्ट किया और मैंने फेक फेस बनाया, जैसे खट्टी चीज़ को खाते ही तुम्हारा शक्ल बन जाती ना, ऐसी फेस एकदम बिगड़ सा जाता है, वैसा ही उसके साथ भी हुआ, हमारे राइटर के साथ भी। द बेरी इज वेरी सॉर एंड आई वंडर हाउ इट कुड मेक अ ड्रिंकेबल जूस। वो जो बेरी थी वो बहुत खट्टी थी और मैं ये सोच रहा हूँ कि इससे इतना बढ़िया पीने लायक जूस कैसे बनता होगा। द वीमेन गेट डाउन टू वर्क, जो औरतें थी वो काम करने लग गई। वन जेंटली टैप द ब्रांचेस विद अ स्टिक व्हाइल टू होल्ड अ टब बिलो टू कैच द फ्रूट। एक भाई क्या करती है, औरतें काम पे लग गई, एक क्या करती है डंडी से मारती है ब्रांचेस को, और दो है वो नीचे जाके टप पकड़ लेती हैं ताकि फ्रूट गिरे तो वो कैच कर लें, है ना। द फ्रूट्स आर टू स्मॉल टू प्लक भाई, एंड बिसाइड्स द ट्रीज आर थॉर्नी। देखो, जो फ्रूट्स हैं वो बहुत छोटे हैं तोड़ने के लिए, प्लग मतलब तोड़ना, प्लग मतलब हम लोग किसी चीज़ को अगर खींच के तोड़ते हैं ना प्लांट को,
प्लांट वगैरह को तो उसको तोड़ना बोल, उसमें प्लक आता है, और अगर हम लोग ऐसे नॉर्मल किसी चीज़ को तोड़ते हैं उसको ब्रेक आता है, ठीक है। तो बिसाइड्स मतलब इसके साथ साथ भाई वो बहुत छोटे थे एक तो तोड़ने के लिए, और इसके साथ साथ जो झाड़ियाँ थी वो थौड़नी भी थी, मतलब कांटे भी लगे हुए थे झाड़ियों में, तो ये तरीका ज़्यादा बढ़िया था उनको तोड़ने का, डंडे से मारो नीचे टब लेके खड़े हो जाओ, टूट के गिर जाएंगे उसमें, ठीक है। तो आज के लिए इतना लेसन पढ़ते हैं यार, फोर्थ चैप्टर चल रहा है, वैसे कोर्स आगे चल रहा है, तो बाकी कल करेंगे ना, एक बार रीडिंग लगा लेना, अच्छा चैप्टर है यार, थैंक यू।